Students, the next type of pronoun is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun now? The pronoun myself, ourselves, themselves, himself, itself, yourselves are reflexive pronouns which are receivers of action. Receivers of action. अब receivers of action का क्या मतलब है? ऐसे कुछ pronouns जिससे indicate हो कि किसी person ने खुद का काम खुद से किया है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई कुक फॉर माई सेल्फ, द बॉल फेल down itself. So students, I cook for myself. इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने लिए, अपने खुद के लिए क्या किया है? कुकिंग की है. सो इसमें जो myself है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. I क्या था? पर्सनल प्रोनाउन था. अब मैंने खुद के लिए खाना बनाया तो myself क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिसीवर्स ऑफ द एक्शन का क्या मतलब है? जो भी काम कर रहा हो उस प्रोनाउन का जो इंडिकेशन हो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई कुक फॉर myself, मैंने काम किया किसके लिए? कुकिंग की. किसके लिए की? खुद के लिए की. सो myself क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है द बॉल फेल डाउन इट्सेल्फ. अब जो बॉल है वो खुद गिर गया तो खुद इट्सेल्फ. इट्सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं. सोचिए और एग्जांपल्स. दे विल गो बाय देमसेल्फ. से इफ आई राइट दे विल गो बाय देमसेल्फ, इसका क्या मतलब है? कि वो खुद चले जाएंगे. वो क्या करेंगे? खुद. दे क्या था? अब पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन वो खुद चले जाएंगे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो आई होप आपको क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. अब बेटा इसमें पहचान क्या है? मोस्टली सेल्फ या सेल्स लगा होता है एंड पर. सो दीज आर व्हाट? दीज आर योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स प्रोसीड टू इट्स exercise. So students, next you have to solve the exercise. See, you have to fill in an appropriate reflexive pronoun. Sirf appropriate reflexive pronouns hi fill karne hai. Reflexive pronouns kaun se the? Myself, herself, himself, ourselves, yourselves. So inme se koi bhi word aapko fill karna hai. I packed the meal. मैंने अपना मील पैक किया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो खुद से पैक किया तो इट विल बी माई सेल्फ. आई पैक द मील माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना खाना पैक किया. रोहन डोंट रन और यू विल हर्ट. अब कोई बोल रहा है रोहन को कि इतनी तेज मत भागो या इतना मत भागो, यू विल हर्ट, कि तुम अपने आप को हर्ट कर जाओगे. अब अपने आप को क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? योर सेल्फ. यू विल हर्ट योर सेल्फ. सो हम यहां पे क्या लिख देंगे? योर सेल्फ. राइट. नेक्स्ट है द बॉयज मेड दीज काइट्स. बॉयज ने ये काइट्स बनाई खुद से. अब बॉयज है, ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम? देमसेल्व्स. हिमसेल्फ नहीं बोल सकते हैं, वो सिंगुलर के लिए है. हम क्या बोलेंगे? themselves. अब ज्यादा है तो सेल्फ की जगह सेल्स आ जाएगा. selves. नेक्स्ट इज मिस्टर गोयल इज डैश अ टीवी पर्सनैलिटी. मिस्टर गोयल खुद एक टीवी पर्सनैलिटी हैं. तो खुद के लिए, क्योंकि ये बॉय है, मेल जेंडर का है, सो वी विल राइट मिस्टर गोयल इज हिमसेल्फ टीवी पर्सनैलिटी. मिनी ड्रोव टू द पार्टी. मिनी ने ड्राइव किया पार्टी पे, मतलब मिनी पार्टी पे गई ड्राइव करके खुद से. अब खुद से लगाना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमने फिल करना है खुद से. अब लड़की है ये और सिंगल है, मतलब एक ही लड़की है, सो हर सेल्फ. सो बेटा दिस इज योर एक्सरसाइज. राइट.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन. नाउ एज द वर्ड इंडिकेट्स एम्फेटिक दिस एम्फेटिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एम्फेसिस. एम्फेसिस का क्या मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज पर क्या देना जोर देना. सो एम्फेटिक प्रोनाउन इज एम्फेटिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एम्फेसिस वर्ड. Now to understand this pronoun, you will have to look into the given sentences. Read the sentence number one. I knitted the sweater myself. मैंने अपना sweater खुद बुना. एक sentence है I myself knitted the sweater. मैंने खुद अपना sweater बुना. So मैंने अपना sweater खुद बुना और मैंने खुद अपना स्वेटर बुना में सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है माई सेल्फ. ये क्या कर रहा है एम्फोसाइज कर रहा है कि मैंने खुद ये काम किया है. सो आई माई सेल्फ निटेड द स्वेटर. ये क्या कर रहा है एम्फोसाइज कर रहा है किस पे कि मैंने ये काम किया है. सो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. दीज आर वेरी मच सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. स्टूडेंट्स में गेट कन्फ्यूज बट द थिंग इज इसमें आपने देखना है कि किस चीज़ पे एम्फोसिस हो रहा है. इसमें आई माई सेल्फ निटेड द स्वेटर, इसमें माई सेल्फ क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है. लेकिन फर्स्ट वाले में आई निटेड द स्वेटर माई सेल्फ, ये माई सेल्फ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि इसमें किसी चीज़ के ऊपर एम्फोसिस नहीं हो रहा, जस्ट ये बता रहे कि मैंने अपना काम खुद किया है. लेकिन ये बोल रहा है कि मैंने खुद अपना स्वेटर निट किया है. सो अपने खुद पे ये एम्फोसाइज कर रहा है तो ये क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है. राइट, लुक अनदर सेंटेंसेस. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. शी हरसेल्फ गेव द स्वीट्स. उसने खुद स्वीट्स दी. अब ये खुद पे अगेन क्या हो रहा है एम्फोसाइज कर रही है कि खुद उसने काम किया है. ये नॉर्मल सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं शी गेव द स्वीट्स हरसेल्फ. लेकिन इसमें क्या बोला है कि उसने खुद ये स्वीट्स दी. खुद पर क्या कर रहे हैं एम्फोसाइज कर रहे हैं तो ये क्या हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ. क्लियर. सो नाउ द डेफिनेशन सेज अ प्रोनाउन दैट इज यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. सो ऐसे प्रोनाउन जो किसके लिए यूज हो फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी सेंटेंस के ऊपर दबाव डालने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालने के लिए सेंटेंस में कुछ प्रोनाउंस यूज होते हैं, उन प्रोनाउंस को क्या कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो बेटा द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So the definition of demonstrative pronoun says a pronoun that is used to point at the object or objects they refer to is called a demonstrative pronoun. Point out at the object or objects. Point out करना किसी object पे या objects पे. ऐसे pronoun जो point out करते हैं उनको हम क्या कहेंगे demonstrative pronoun. Let's take an example. Say, I say this house belongs to him. That book is mine. Those pens are yours. So now look into these sentences. ये house उसे belong करता है, means ये house उसका है. तो ये this का it point at the object. अब ये house को point out कर रहा है. कौन सा word point out कर रहा है this word. So this क्या होगा demonstrative pronoun. Next है that book is mine. वह book मेरी है. तो उस बुक को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड मैंने यूज किया दैट, अब वो दैट क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट है दोज पेन्स आर योर्स. दोज अब उन पेन्स को बताने के लिए कि वो उसके हैं
क्या वर्ड यूज हुआ? दोस्त. सो दोस्त दैट दिस इज वॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वाई? बिकॉज दे पॉइंट आउट एट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू. सो जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में रेफर किया सेंटेंस में, उसको पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. क्लियर?